इंडिया में अगर कोई एक सुपर बाइक सबसे ज्यादा कॉमन है वो है कावासाकी ZX10R एंड द रीजन इज प्राइस। एंड आज वाले वीडियो में आपको ZX10R के बारे में सब कुछ बता दूंगा, प्राइसिंग क्या है, वेरिएंट्स क्या है, क्या क्या कलर आते हैं, क्या क्या ऑप्शंस उसमें आते हैं, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसका लोन का आप कैसे लोन अप्लाई करोगे, EMI क्या है, जितने भी डिटेल्स है सब कुछ। एंड ये चैनल पे अगर आप नए हो, माय नेम इज सुमन रॉय एंड आई कीप ऑन अपलोडिंग अ लॉट ऑफ वीडियोस अबाउट सुपर कार, सुपर बाइक्स एंड माय लाइफस्टाइल। सो जस्ट इन केस आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो एंड वो वाला बेल वाला बटन भी दबा देना। अभी मेरे पास स्टूडियो में ZX10R या साइड में नहीं है कि मैं आपको सब कुछ डिटेल्स दिखा सकूं, बाकी आपको जितना भी इन्फॉर्मेशन चाहिए ZX10R के बारे में सब कुछ आपको ये वाले वीडियो में मिल जाएगा। एंड मे बी लॉकडाउन खत्म होने के बाद 2020 या 2029 का जो नया वाला ZX10R आएगा उसमें वी कैन डू ए रोड रिव्यू टेस्ट एंड आई कैन डू ए डिटेल्ड वीडियो एज वेल। ह्यूमन इंस्टिंक्ट कंबाइंड विद मैकेनिकल प्रिसिजन, perfect synchrony between man and machine, made possible by the practice of perfection, realized by those willing to operate on the edge of reason. Because championships are won only when engineering and intuition become one and the same. Talking about the specs, it's inline 4000cc, 205 kilos and 200 bhp for the bike, and that is a stock bike, not even with the Acropubic or a full system or Austin Racing or Acropubic. It's just the stock bike, 200 bhp, 200 kilos, and the price is just amazing. And since it's inline 4, the sound is going to be absolutely insane. Now talking about the features, hamara normal jo expensive wala jo model jaise S1000 ho gaya, Ducati V4S ho gaya, isme jo sab features hai, almost sab kuch feature ये ZX10R आपको मिल जाता है। इसमें आपको लॉन्च कंट्रोल मिल रहा है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल रहा है, कॉर्नर ABS मिल रहा है, फिर इंटेलिजेंट राइडिंग मोड्स मिल रहा है, फिर अपना ओलिंस का जो सस्पेंशन वो भी है, मतलब सस्पेंशन नहीं, ओलिंस का जो इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट स्टीयरिंग डैम्पर वो है, ब्रेम्बो ब्रेक्स है, फिर ऑटो शिफ्टर है, ऑटो ब्लिपर है, ऑलमोस्ट सब कुछ, ऑलमोस्ट क्या सब कुछ है, मतलब नॉर्मली बाइक में जो जो चाहिए ऑलमोस्ट सब फीचर्स हैं। एंड जबकि हमारा S1000 V4S बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाए, ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, जबकि ये ऑलमोस्ट हाफ प्राइस में यू आर गेटिंग द ऑलमोस्ट द सेम बाइक विद ऑल द सेम फीचर एंड एवरीथिंग एग्जैक्टली द सेम फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एज वेल। कमिंग टू द कलर ऑप्शंस, यहां पे कावासाकी ने एक मात दे दिया है, क्योंकि अभी हमारा जो ZX10R है वो ओनली एक ग्रीन एंड ब्लैक ऑप्शन में आता है। पहले वो आता था ब्लैक में भी आता था, मतलब पूरा ब्लैक, वो वाला मेरे को बहुत अच्छा लगता था, और एक हमारा ब्लैक रेड में भी आता था, बाकी अभी जो 2019 वाला मॉडल है वो ओनली वी ब्लैक ग्रीन एक ही ऑप्शन आता है। ये मेरे को अच्छा नहीं लगता है कि व्हाई देयर सेलिंग जस्ट वन मॉडल, क्योंकि वो एक तो ये है कि पैसा कम है, मतलब बाइक का प्राइस कम है, ऊपर से एक ही कलर ऑप्शन है, मतलब हमारे सिटी में, मतलब कोई भी सिटी में आप चले जाओ तो जिसके पास भी ZX10R होगा, क्योंकि बहुत लोग वही सेम वाला बाइक खरीदेंगे, प्राइस इतना अच्छा है एंड सब कुछ सेम फीचर्स, पावर सब कुछ सेम है, तो बाकी एक ही कलर पूरे होल सिटी में वही एक ही कलर का बाइक दिख रहा होगा। तो मे बी कावासाकी शुड हैव गिवन एक्चुअली टू और थ्री कलर ऑप्शन, जैसे ब्लैक ग्रीन हो गया, शुड हैव गिवन ए व्हाइट और मे बी रेड और मे बी ए डीटो, मतलब मैट ब्लैक समथिंग लाइक RSV4। तो अभी ये जो कलर ऑप्शन ओनली वो जो ग्रीन ब्लैक देता है वो मेरे को थोड़ा खटकता है। दे शुड हैव एक्चुअली गिवन एटलीस्ट मोर टू और थ्री कलर ऑप्शंस। एंड कमिंग टू द वेरिएंट्स, ZX10R का ओनली एक ही वेरिएंट इंडिया में सेल होता है, दैट इज ZX10R। उसका और एक लिमिटेड एडिशन भी है ZX10RR, बाकी वो इंडिया में अभी तक प्रोडक्शन नहीं हुआ है, ग्लोबल मार्केट में है बाकी इंडिया में आया नहीं है, मे बी वही 2021 तक आएगा। सो अभी के लिए यू कैन ओनली बाय वन सिंगल वेरिएंट, इफ लुकिंग टू बाय ZX10R यू कैन ओनली बाय द ZX10R ब्लैक ग्रीन एंड दैट इज द सेम प्राइस, दैट इज जस्ट वन सिंगल वेरिएंट, सो यू हैव just got one option to buy right now. And if you're someone who is looking to buy ZX10R right now, I would suggest go ahead and buy it right now, because since it's locked down, अभी ये जो वायरस के लिए maybe dealers आपको बहुत सारे discounts भी दे देंगे, price तो already बहुत कम है, उसमें क्या और ज़्यादा discount होगा मेरे को मालूम नहीं है, बाकी at least you can expect some kind of discount, and since it's BS4, you can actually get some more discount as well, क्योंकि BS6 जब तक आएगा उसमें price भी थोड़ा बढ़ गया होगा। So maybe if you really want to have a ZX10R or need a little class bike for a good price, maybe just go ahead and get it right now, don't wait for the new 2020 model. Now coming to the pricing, the ZX10R is available for X showroom 13.99 lakhs. I mean, this price is absolutely crazy. For S1000 that is like 25 lakhs, V4 is somewhere around 25.5 lakhs or 26 lakhs, so almost double price you are paying for the same bike, same power, same engine,
it's not the same engine, almost the same power, same weight, almost everything the same electronics, everything the same. So basically आपको 13.99 lakhs में ZX10R मिल रहा है, तो आप क्यों जाके 30 लाख खर्च करके S1000 या V4S लोगे? मतलब if you are in a budget, if you need a little class bike, a good little class bike with a lot of electronics, lot of features, ZX10R से अच्छा ऑप्शन और कोई भी नहीं है. एंड ये जो है ये मैं स्टॉक का बोल रहा हूँ, एंड ये एक शोरूम ही है, ऑन रोड नहीं है. ऑन रोड आपको और 2-3 लाख आप जोड़ लो, मैं आगे जाके वीडियो में बताऊंगा पूरा ब्रेकडाउन. तो एक शोरूम जो है 13.99 लाख, एंड दैट इज फॉर द स्टॉक बाइक विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्सेसरीज. एंड ये जो है ये BS4 का प्राइसिंग है, BS6 का प्राइसिंग है डेट अभी तक नहीं आया. मे बी BS6 का जो नया वाला 2020 मॉडल है वो आते आते मे बी वही लास्ट मतलब ईयर एंड नवंबर या दिसंबर हो जाएगा, बाकी अभी तक उसका प्राइसिंग आउट नहीं हुआ है. सो 13.99 लाख एक शोरूम राइट नाउ इज द BS4 प्राइस फॉर ZX10R. अभी लोन कैलकुलेशन के ऊपर आते हैं. तो बाइक हम प्राइस पकड़ लिए 13.9 मतलब 14 लाख, तो डाउन पेमेंट पकड़ लो ओनली 2 लाख आप दे रहे हो, तो लोन अमाउंट हो गया 12 लाख. तो इंटरेस्ट पकड़ लो 10%, टेन्योर पकड़ लो 5 साल, तो आपको ईएमआई आ रहा है 25,000. सो बेसिकली 25,000 इज ईएमआई इफ यू आर गिविंग अ डाउन पेमेंट ऑफ ओनली 2 लाख, डूइंग ए लोन अमाउंट ऑफ 12 लाख फॉर 5 ईयर्स, तो मंथली ईएमआई इज गोइंग टू बी 25,000 ओनली. इंटरेस्ट आप जो 5 साल में पे करो दैट बी समवेयर अराउंड 3.3 लाख. सो बेसिकली 25,000 ईएमआई, 2 लाख डाउन पेमेंट एंड 12 लाख का लोन करना है. बेसिक सिंपल लोन कैलकुलेशन. एंड हाउ मच मनी यू नीड इन योर बैंक बिफोर यू इवन स्टार्ट दिस लोन प्रोसेस. सो फर्स्ट जो है डाउन पेमेंट का 2 लाख आपको चाहिए, फिर उसके बाद TCS पकड़ लो हुई 14,000, फिर उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन, टेम्पर रजिस्ट्रेशन, हैंडलिंग उसका और 5-10,000 पकड़ लो. उसके बाद इंश्योरेंस पकड़ लो 50,000, अगर आपके सिटी में कावासाकी का शोरूम नहीं है तो और 1 लाख शिपिंग का पकड़ लो, अगर पास है जाके लेके आ सकते हो, 1 लाख भी सेव कर सकते हो आप शिपिंग का. फिर उसके बाद हो गया अपना जो रजिस्ट्रेशन वो पकड़ लो, वही शायद 2 लाख या मतलब 2.5 लाख इतना तक की आता है शायद उसको, मतलब ये 1.5 लाख या I guess it's not even 2 lakhs, it's just 1.5 lakhs for the registration. So पकड़ लो on road आते हैं, मतलब Odisha का on road will be somewhere around 16.5 lakhs, बाकी Bangalore और Mumbai on road will be more than this. So basically आपको एक showroom जो है 13.99 lakhs है, उसके बाद आपको bank में minimum 4-5 lakh आपको ready करना है, even if you want to start this loan process immediately. एंड अब आते हैं एलिजिबिलिटी के ऊपर. सो सिंस इसका ईएमआई जो हमने पकड़ा अपना बेस कैलकुलेशन में 2 लाख का आपका डाउन पेमेंट देना है, 12 लाख का लोन लेना है, तो ईएमआई हो गया अपना 25,000 हर मंथ 5 साल के लिए. तो अगर आपका ईएमआई 25,000 है, आपको सैलरी मिनिमम 40,000 रहना चाहिए इफ यू रियली वांट टू गेट योर लोन एप्लीकेशन अप्रूव. तो अगर आप सैलरीड हो, आपका सैलरी अगर 40,000 है, यू कैन गेट द इजी लोन फॉर 25,000 ईएमआई फॉर ZX10R. एंड आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न है दैट नीड्स टू बी मिनिमम 5-6 लाख. एंड अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न मिनिमम 7-8 लाख या इवन 10 लाख तक होना चाहिए अगर आपको ये लोन एप्लीकेशन अप्रूव करवाना है. तो सो बेसिकली इनकम टैक्स वैल्यू जो है, अगर आप सैलरीड हो तो आपका मिनिमम 5-6 लाख, एंड अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हो मिनिमम 7-8 लाख होना चाहिए. नाउ टॉकिंग अबाउट द मंथली ईएमआई, हमारा जो बेस कैलकुलेशन था 2 लाख का डाउन पेमेंट 12 लाख का लोन अमाउंट, उस पर हमारा ईएमआई जो मंथली आ रहा था 25,000 आ रहा था. एंड अगर आपको उसमें कुछ छेड़खानी करना है, आप अपना डाउन पेमेंट थोड़ा ज्यादा कर सकते हो, आपका मंथली ईएमआई कम कर सकते हो, मंथली ईएमआई ज्यादा करके डाउन पेमेंट और थोड़ा कम कर सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन योर ओन फाइनेंस एंड ऑन योर ओन अप्रूवल्स विद द बैंक. सो बेसिकली मेरा जो था वो बेस कैलकुलेशन मैंने आपको दे दिया, आपको आइडिया आ गया होगा कि अगर आपको ZX10R खरीदना है तो एक्चुअली कितना पैसा आता है, उसका एक शोरूम क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, आपका इनकम टैक्स रिटर्न्स कैसा रहना चाहिए, एंड आपको कितना पैसा एक्चुअली चाहिए लोन वाला प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए. एंड अगर आपके बैंक में ऑलरेडी 14-15 लाख मतलब 20 लाख है, जाके सीधा जाके गाड़ी खरीद सकते हो, आपको लोन करने का कोई भी जरूरत नहीं है. सो एनीवेज दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. इफ यू हैव स्टिल गॉट एनी क्वेश्चंस लेट मी नो इन द कमेंट बिलो. एंड इन दिस वीक वी आर गोइंग टू डू मोर वीडियोस अबाउट RSV4 सेम एलिजिबिलिटी एंड ईएमआई थिंग, Mercedes G63 वन ऑफ माय फेवरेट, वी आर गोइंग टू डू द मस्टैंग, वी आर गोइंग टू डू द 2 सीरीज BMW द न्यू वन, वी आर गोइंग टू डू द M8 of the BMW as well. So a lot of nice amazing videos lined up, and you need to tell your friends about this channel. Agar aapko doston ko malum nahi hai channel ke bare mein, jaake unko batao, ask them to subscribe and ask them to hit that bell icon so that at least they can get notified whenever I am publishing any of the new videos. All right, so that's it. Smash the subscribe button if you haven't yet, and don't forget to click on the bell icon to stay updated. I will see you guys in the next video.